अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी अंसार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मिस्टर बैंकर। दोस्तों, डैम फंड अकाउंट के बारे में हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें मैं हर वीक आपको डैम फंड अकाउंट की सिचुएशन बताता हूं कि डैम फंड में कितने पैसे जमा हो चुके हैं और इस वीक में सबसे बड़े डोनेशन कौन कौन से हैं। इस सिलसिले की आज छठी एपिसोड है, सिक्स एपिसोड है और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस हफ्ते के बड़े डोनेशन कौन से हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 2.62 मिलियन रुपीस डैम फंड अकाउंट में जमा कराए हैं। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3.4 मिलियन रुपीस डैम फंड अकाउंट में दिए हैं, 34 लाख रुपए। और इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उन्होंने 2.2 यानी 22 लाख रुपए डैम फंड में दिए हैं। यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये इंस्टीट्यूशन PIA नुकसान में जा रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने डैम फंड में दिया है। बेहतर है कि वो अपनी कारकर्दगी पर भी तवज्जो दें और उसको प्रॉफिट में लें, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जावेद मियादाद क्रिकेटर ने भी डैम फंड में 2 लाख रुपए दिए, चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने 1992 वाली गेंद भी चीफ जस्टिस को दी जिसकी कहा गया है कि ऑक्शन की जाएगी और उससे हासिल होने वाली इनकम डैम फंड अकाउंट में शामिल की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, दियामिर भाषा डैम की कैपेसिटी 8.1 बिलियन एकड़ फी है, इतना पानी जखीरा कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की गुंजाइश 4500 मेगावाट है और इसकी लागत का तखमीना 12 बिलियन US डॉलर है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगर हमने जल्दी ये डैम ना बनाया तो हर साल इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है क्योंकि इनपुट और रॉ मटीरियल और सारी किस्म की सर्विसेज जो डैम बनाने में यूज़ होती हैं वो डे बाई डे महंगी होती जा रही हैं। दूसरा प्रपोज डैम निस्बतन छोटा है जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन एकड़ फी है, इतना पानी जखीरा कर सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट है और इसकी पैदावारी लागत जो है बनाने की लागत $6 बिलियन है। फर्दर हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जहां पर हम देखते हैं कि अब तक डैम फंड अकाउंट में कितने जमा हो चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास डाटा शो हो रहा है, 7 अरब रुपए हम क्रॉस कर चुके हैं। डे बाय डे आप देख सकते हैं पोजीशन बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट एड अप होती जा रही है और 7 अरब को अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे दोस्त जो कि डैम फंड की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंदे से डैम नहीं बनता, तो उनको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है लेकिन हर हफ्ते पोजीशन बेहतर होती जा रही है। तकरीबन एक हफ्ते में 1 अरब रुपए डैम फंड अकाउंट में जमा हो रहे हैं। नेशनल काज है, लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा करने के रिजर्वायर है, बहुत ही कम है। हालांकि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसके लिहाज से हर कंट्री के पास 120 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद होना ज़रूरी है। मुश्किल वक्त के लिए इतना पानी होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वायर्स का ये भी फ़ायदा है कि जब आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं या बारिशें ज़्यादा होती हैं पहाड़ों पर और वो दरियाओं की तरफ पानी आता है तो सैलाब की सूरत में आता है, फसलों को और घरों को तबाह करता है, तो रिजर्वायर्स डैम इस पानी को भी जखीरा कर सकते हैं जो कि आगे आपकी फसलों को सराब करने और पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान 22 अरब डॉलर का मीठा पानी समुद्रों में फेंक कर सालाना जय कर रहा है क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है। हमने 150 के करीब डैम तामीर किए हैं अब तक, जिनमें से 2 बड़े डैम हैं जिनको कहा जा सकता है कि वाकई उनकी कैपेसिटी है वो डैम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डैम है। बाकी डैम 148 वो छोटे लेवल के डैम हैं, बहुत ही कम मिकदार में पानी जखीरा करते हैं या फिर वो बिजली पैदा करते हैं। अगर हमारे राइवल इंडिया से हम कंपैरिजन करें तो उनके पास 1000 के करीब डैम बन चुके हैं और वो कंटिन्यूसली डैम बनाने पे लगा हुआ है। इवन उन्होंने कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं पर भी डैम बनाए हैं जिनका पानी पाकिस्तान में आता है। हालांकि माहदे के मुताबिक वो इन डैम्स पर पानी जखीरा भी नहीं कर सकते और बिजली भी नहीं पैदा कर सकते, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बज़ाहिर एक कमज़ोर मुल्क है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना मुकदमा लड़ने की कुव्वत बहुत कम रखता है। नई गवर्नमेंट के साथ ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो डैम भी तामीर करेंगे और पाकिस्तान का इमेज भी इंटरनेशनल लेवल पर
अब करेंगे। उम्मीद हफ्ते की वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह पसंद आएगी। काइंडली इसे शेयर और लाइक जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।